तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कटिंग मूव्स के बारे में। तो कटिंग मूव्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया वर्कपीस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो पार्ट इसके अंदर मेरा ये हो जाएगा और ब्लैंक बाउंडिंग ब्लॉक ले लेते हैं। ओके और ओके। अब यहाँ पे हम आ गए, ये लोकल MCS आ रहा है। लोकल MCS नीचे है, आप कहीं ऊपर लेना चाहते हैं तो आप ऊपर ले सकते हैं। ऑन ब्लैंक और ये रख क्लिक और ओके राइट। अब इस ब्लैंक को मैं रेफरेंस मान के इस पे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से मैंने ले लिया कैविटी मिल। तो सबसे पहले कैविटी मिल के लिए लेते हैं। कैविटी मिल टूल ऑलरेडी मेरे पास है, उसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। और MCS लोकल ये वाला, इसके ऊपर काम करेंगे। और रफ फिनिश मेथड जो भी रखना चाहते हैं, चलिए तो मैंने सेम ही रखा और ओके। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये पूरे को ले लेगा। और जनरेट अगर मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पूरे पार्ट को सेलेक्ट करेगा और उसके लिए कट कर देगा, टूल पाथ बना देगा। कुछ एरिया स्मॉल हैं जहाँ पर टूल नहीं जा पाया है राइट। अब एक तो जो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट है उसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ ताकि मुझे देखने में सुविधा हो और चीज़ें समझाने में आसानी हो। तो यहाँ से ये फॉलो पार्ट हमने लिया है, तो फॉलो पार्ट में इस तरीके से चल रहा है। इसको मैं फॉलो पैराफेरी ले लेता हूँ। तो फॉलो पैराफेरी के अंदर ये पैराफेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टूल पाथ जनरेट होने लगेगा। लेट्स सी किस तरीके से कटिंग कर रहा है। यहाँ से जाइए और ये कटिंग कर रहा है लेवल बेस्ड, ठीक है ओके। तो यहाँ से इसको फिर से चेंज करता हूँ मैं, और मैंने अगर प्रोफाइल कर दिया तो प्रोफाइल का क्या मतलब होता है, सिर्फ जो किनारे किनारे हैं, लाइनें हैं, वॉल हैं, उन वॉल पे जाके कटिंग करेगा। यहाँ पे आप देखिए वॉल वॉल पे चल रहा है सिर्फ, और वॉल पे ये टूल पाथ जनरेट कर रहा है। यहाँ से मैं जिग या जिगजैग ले लेता हूँ, जिगजैग जनरेट करते हैं। तो जिगजैग में देखिए जैसा फेस आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बनाता जा रहा है राइट। ये जिगजैग इसके अंदर भी चलने की कोशिश करिए, लेकिन जिगजैग हर जगह पे प्रॉपर चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए ये तो यहाँ पे काटा, उसके बाद इसके अंदर काटा, और ये यहाँ पर लाइन इंप्रेशन छोड़ गया है जिगजैग। तो जिगजैग की जगह मैंने फॉलो पैराफेरी ही ले लिया। अब कटिंग में जाते हैं, ये लेबल बेस्ड आ रहा है। तो लेबल बेस्ड का मतलब क्या होता है कि अगर एक पॉकेट यहाँ पे, एक पॉकेट यहाँ पे है, सारी पॉकेट में एक एक बार काटेगा, फिर दूसरी बार में दोनों में सब में एक साथ काटेगा। मैं यहाँ से डेप्थ फर्स्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, पहले एक डेप्थ को काटेगा तब दूसरी डेप्थ में जाएगा। और देखें ज़रा इसको, तो अभी मैंने यहाँ से लिया और स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं। अभी उस वाली पॉकेट में आपकी बार नहीं गया है राइट, जब तक ये इधर का एक को काट रहा है। आप देखिए इधर वाली पॉकेट, अब इधर वाले को कट करा कंप्लीट, उसके बाद आखिरी में इस वाले में गया है ठीक है। तो डेप पहले एक डेप तक क्लीन करेगा, उसके बाद दूसरे में जाएगा, ये इसका ऑप्शन है। आउटवर्ड अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है, आप बाहर से अंदर की तरफ लेना चाहते हैं या ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जहाँ पे इसे इन टू आउट या आउट टू इन लगेगा या अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर लेगा और बना लेगा राइट। और देखें इसको राइट, बाहर से शुरू हुआ है, बाहर से शुरू हुआ है राइट, बाहर से शुरू हो गया है क्योंकि ओपन है। ओपन में बाहर से इंगेज करेगा राइट। तो ऑटोमेटिक हमने इसको ले लिया, तो पैटर्न ऑटोमेटिक रख लेते हैं। कूलेंट ऑन करना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं, ये वो हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो आता है ये क्या है, इन प्रोसेस वर्कपीस, ये रेस्ट मिलिंग के लिए काम आता है। रेस्ट मिलिंग में ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं और देखा हुआ भी है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर कितना स्टॉक आप छोड़ना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका स्टॉक 0.25 जो मेटल बच रहा है वो है ये। इसके बाद आता है स्पेसिफाई ब्लैंक। ब्लैंक ऑलरेडी हमने डिफाइन करा हुआ है, ये वाला है। अभी अगर मैं चाहूँ तो ब्लैंक मैं थोड़ा सा और बड़ा करके रख सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे सपोज 2 डाल दिया, तो ब्लैंक को अब ये क्या करेगा, 2 और बड़ा मानेगा और ब्लैंक पे ऑफसेट 2M का मान के चलेगा राइट। अगर ये रिक्वायरमेंट पड़ती है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं रिक्वायरमेंट पड़ती तो आप इसे
छोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, जब आपने ऑफसेट किया तो इसने उस ऑफसेट वाले ब्लैंक को भी कट करने की कोशिश करी है नीचे तक, क्योंकि मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए इसने पूरा ले लिया। इसको ज़ीरो कर देते हैं तो आर जो हमारा ब्लैंक है जो डिफाइन किया सिर्फ उतना ही आएगा। कट एरिया ऑलरेडी है ही हमारे पास, ऐसे ही जो हमारे पास चेक है या कोई क्लैंप है उस क्लैंप का ऑफसेट भी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ट्रिम बाउंड्री, ट्रिम बाउंड्री क्या करेगा, सपोज़ मुझे ये वाला जो फेस है इसकी बाउंड्री जो है ये मैंने ले ली है और इसे हम करते हैं जनरेट। तो अब आप देखिए टूल पाथ बनेगा लेकिन इसकी बाउंड्री इस पे कट नहीं करेगा क्योंकि इसको मैंने ट्रिम कर दिया है, इस एरिया में टूल पाथ ना बने। ओके, और इस ट्रिम का भी स्टॉक आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये है तो इसको और थोड़ा बड़ा कर लेगा ये अपने आप जितना भी आप ऑफसेट डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से हम ये ट्रिम बाउंड्री जो है, ट्रिम बाउंड्री को हम तो इसको हमने यहाँ से ट्रिम बाउंड्री को क्लियर कर देते हैं। इसे हटा देते हैं और ओके। इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे कट लेवल, कट लेवल में आप देखिए यहाँ पे हमें कुछ लेवल मिल रहे हैं और वो लेवल आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये वाला है, ये फेस पहला लेवल ये वाला फेस ये दिख रहा है आपको, ये है। और इसकी डेप्थ कितनी आ रही है, इसकी डेप्थ 36, फिर 10 पे ये वाला फेस 10 पे है, फिर और नीचे चलते हैं एक और आ रहा है, ये कितने पे आ रहा है, ये 19 आ रही है डेप्थ इसके, फिर ये कितना आ रहा है 23 आ रही है राइट, और एक आ रही है 28 जो कि इसका और भी है कहीं पे फेस ये वाला देखिए ये रहा प्लानर फेस एक और है यहाँ पे भी आ रहा है, फिर एक नीचे आता 40, तो 40 कौन सा है इसका, इसका बॉटम हो जाएगा राइट, लास्ट आपको यही मिलेगा। अब इसमें से हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया अब यहाँ तक आ रहा है, मैंने इसे भी डिलीट कर दिया और ये बचा। अगर अब मैं जनरेट करता हूँ टूल पाथ तो मेरा टूल पाथ बस यहाँ तक ही बनेगा, ये नीचे वाले को नहीं काटेगा, कहाँ तक काटेगा, इस लेवल तक काटेगा सिर्फ राइट। देखें ये देखिए नीचे का रह गया, नीचे तक नहीं काटा पूरा, यहाँ तक काटा है जो उसके लेवल तक आ रहा है। तो ये लेवल डिफाइन कर सकते हैं, एक बार मैं चलिए आपको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से जब प्ले करेंगे तो ये काट रहा है, सेकंड कट हो गया, ये थर्ड कट हो गया, ये कट करा इसने लेकिन पूरा नहीं काटेगा, बस यहाँ तक काटेगा जहाँ पे इसका लेबल आ रहा है। आप और लेबल को चेंज कर सकते हो। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास आपको पता है कि हमारा टूल पाथ जो है बड़ा है और इतना बड़ा टूल पाथ हमें नहीं काटना है, हमें सिर्फ यहाँ तक कट करना है और बाकी नीचे के लिए अलग टूल पाथ बना लेंगे, तो इसको दो पार्ट में भी ले सकते हैं। तो पहले एक बार रफिंग कर दी और एक बार बचे हुए की रफिंग बाद में कर दी, तो इस तरीके से भी इसको आप ले सकते हैं। राइट, सिर्फ यहाँ तक ही कटा अभी, नीचे का दोनों साइड का रह गया। जैसे ही आप इसको लेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा यूज़र डिफाइन, और अगर ऑटोमेटिक आपको चाहिए आप ऑटोमेटिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लेवल अपने आप ही आ जाएंगे, ये फिर से पूरे बन के हमारे पास आ गए हैं। तो टॉप रेंज जो टॉप है वो वाला शो कर रहा है ये, बाकी रेंज यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ से ये जो रेंज है इन सबको डिलीट करा, और आपको ये सारे नहीं चाहिए, आपको यूज़र डिफाइन चाहिए, ये 10 आ रहा है, 10 नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ और लिमिट तक काटना है, 15 तक काटना है, जो लिमिट यहाँ दिख नहीं रही, तो आप यहाँ से 15 एंटर कर दीजिए। तो ये प्लेन आपको दिख रहा था वो 15 पर चला जाएगा और टूल पाथ सिर्फ 15 तक जनरेट करेगा, ना यहाँ तक करेगा ना ऊपर वाले प्लानर तक करेगा, जहाँ तक आप डालेंगे वहाँ तक करेगा। ओके, तो ये भी एक तरीका है रेंज को डिफाइन करने का। और जनरेट वापस से आ गए, अब आ जाते हैं हम स्ट्रेटेजी के अंदर। स्ट्रेटेजी के अंदर ये हमारे पास एक ट्रिम बिहेवियर आता है, ट्रिम बिहेवियर के अंदर डिफ़ॉल्ट जो हमने अभी डिफ़ॉल्ट किया था, और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।